स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश गुरु क्लासेस। आज हम ग्रामर का एक सिंपल सा टॉपिक है, यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग, एंड इन सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्यों में हम इसको यूज कैसे करें। तो समटाइम्स देयर इज ए प्रॉब्लम व्हाइल चेंजिंग हिंदी लैंग्वेज और हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश सेंटेंसेस। तो कभी कभी हमको प्रॉब्लम आती है और हमारे पास में कुछ वर्ड्स की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ हमारे पास में कुछ वर्ड्स हैं जिसमें कुछ प्रोनाउंस है एज ए सब्जेक्ट जब हम यूज करते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है मैं, आई प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है मैं, मैंने और मेरे। तो जैसे हम सेंटेंस कई बोलते हैं कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, तो आई वहाँ पर हम यूज करते हैं। मैंने एक पक्षी देखा, तो वहाँ भी हम आई यूज करते हैं। मेरे, अब कभी कभी समटाइम्स वी आर कंफ्यूज, हम कंफ्यूज होते हैं कि मेरे के लिए हम माई लगाएं या आई का आई वर्ड यूज करें। तो जैसे मेरे पास एक पेन है, तो मेरे पास रखने के लिए, तो वो स्वयं के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर हम आई यूज करेंगे। इसी प्रकार से वी के लिए हमने हमारे, तुमने तुम्हारे, इट, शी, ही। शी का यूज यहाँ पर फेमिनाइन के लिए और ही का यूज यहाँ पर मैस्कुलाइन के लिए होगा। तो वह दोनों का मीनिंग सेम है बट यूज इसका डिफरेंट है। दे, ये एक इसमें हम यहाँ पर ये प्लूरल है और उसके बाद ये सिंगुलर है आपका, ये भी आपका सिंगुलर है, ये भी आपका सिंगुलर है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं। ये आपका भी ओनली प्लूरल है और ये आपका सिंगुलर है। तो यहाँ हम समटाइम्स कंफ्यूज ना हो कि सिंगुलर प्लूरल कौन कौन से हैं, और अवर, हमारा, योर, तुम्हारा, देयर, उनका, हिज, उसका, हर, उसका, यहाँ भी वही मैस्कुलाइन और फेमिनिन का डिफरेंस है। अब यहाँ पर हम, ये एक ऑब्जेक्ट हैं, अस, हमें, तुम्हें, यो का मतलब तुम और तुम्हें, तुम हमने वहाँ पर पहले लिख चुके एक बार, यहाँ पर अगेन रिपीट हुआ, देव उनको, हिमनी उसे, और हरियाणी उसे, दोनों यहाँ पर डिफरेंट हैं। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे कुछ सेंटेंस की, हम हाउ कैन वी ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। जैसे एक फर्स्ट पार्ट है आपका, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि मेरे पास एक पुस्तक है, मेरे पास एक पुस्तक है। तो यहाँ हम मेरे, तो यहाँ आई वर्ड यूज करेंगे। यहाँ हम आज पढ़ रहे हैं कि which subjects do we use while changing any sentences? तो I have, यहाँ हम use करेंगे I, मैंने एक पक्षी देखा, ठीक। तो यहाँ I हम use करेंगे एक देखने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हैं, मेरे और मैंने दोनों के लिए हमारे पास एक सेमी वर्ड है जो आई यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे उसके पास कुछ, उसके पास कुछ खिलौने हैं, ठीक है। तो यहां ही एंड शी, बोथ वर्ड्स वी कैन यूज, हम यहां दोनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां इस सेंटेंस में ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि उसके पास, जिसके पास है वो ही है या शी है। तो यहाँ ही या शी, हम दोनों यहाँ पर आ सकते हैं, बट वाइल वी हैव टू, इफ यू वांट टू चेंज इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ हम एक वर्ड यूज करेंगे, आइदर शी और ही। तो यहाँ पर अगर हमने ही लिखा तब भी यहाँ पर सही है, और यहाँ अगर शी का यूज करेंगे तब भी वहाँ सही। तो कुछ खिलौने हैं, तो यहाँ पर हैज का यूज होगा, बिकॉज बोथ जो आपके वर्ड्स हैं वो सिंगुलर है, तो ही हैज और शी हैज। तो उसके बाद फिर आगे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे जब हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। और हमारे, मेरे, उनके, तो ये आज हमने इतना पढ़ा
कि जब भी हम सेंटेंस चेंज करते हैं तो हम मीनिंग उसका ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से मीनिंग है। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा। अब ये पार्ट फर्स्ट था जो आज हमने डिस्कस किया। अब हम इसके अगले पार्ट में ये डिसाइड करेंगे कि हमें क्या चेंज करना है, क्योंकि कई बार हमको प्रॉब्लम होती है चेंज करने की, और हमारे पास अगर एक प्रॉपर वर्ड है, अगर हम प्रॉपर वर्ड समझ गए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब हम चेंज करेंगे। तो आज हमने इतना पढ़ा, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे और हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे।